जय हिंद सभी को। एक ज़रूरी बात आप लोग को बता दें, ताकि फिर समय नहीं मिलेगा। तो आप लोग जानते हैं कि कल मतलब 1 नवंबर को 11 बजे से ट्विटर पर हल्ला बोल है SSCGD वालों का, सभी का, आप लोग का, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग हम कुछ बात करना चाहते हैं और कुछ अलग से भी बात करेंगे। पिछला बार इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाए थे, और हम मानते हैं कि एक छोटा सा कारण था जो कि आप लोग का ट्विटर ट्रेंडिंग में नहीं जा पाया था। छोटा सा कारण था, लेकिन इस बार हम वो कारण भी नहीं रखेंगे। इस बार हम सबको बता रहे हैं, आप लोग जितना भी सुन रहे हैं मेरी बात, सब सुनिए, कि जो भी हैं, कहीं भी हैं, ठीक है, आप लोग के पास बहुत सुंदर सुंदर मोबाइल है, हम जानते हैं, और मोबाइल में आप लोग क्या क्या देखते हैं वो भी हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दिल्ली नहीं जा पाएंगे, तो वो भी कम से कम लगातार मेहनत करते रहिए। और टैग, जो बात आप लोग कर रहे हैं कि टैग क्या रहेगा नहीं आएगा, तो वो सब जो है रणवीर सर जी का अकाउंट को फॉलो कीजिए ट्विटर पर जाके, Ranveer_CRPF लिखेगा तो उनका आ जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप कम्युनिटी बॉक्स देख सकते हैं, और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप कुछ कुछ हिंदी रीड कर सकते हैं, उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं कि यही आपके पास अंतिम मौका है, इसके बाद नाक लगटते मर जाइएगा, कभी कुछ नहीं उखड़ पाइएगा, गारंटी कुछ नहीं उखड़ेगा, ठीक है। इतना कंपटीशन भरा दुनिया में कुछ नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपको अगला बार भर्ती देखने का मौका मिल जाता, तो क्या गारंटी है कि आप 100% उसमें सफल कर जाइएगा? क्या गारंटी? मान लीजिए आप खूब महान हैं, आपके साथ कुछ घटना हो गया, आप किसी समय प्रेजेंट नहीं हो पाए, दौड़ में गिर गए, मेडिकल में आपके साथ कुछ घटना हो गया, तब क्या कीजिएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए यही अंतिम मौका है, ठीक है, लास्ट मौका है, एकदम इसको हाथ से जाने नहीं देना है। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट से हमको लगातार बात होते रहता है, हालांकि ये नंबर अभी आप लोग जो यूट्यूब पर देखते हैं, ये नंबर मेरा अपना है नहीं, सिर्फ 12 नवंबर तक आप लोग के चलाएंगे और इनकमिंग बंद रहता है, लेकिन कभी कभी इनकमिंग हम खोलते हैं, आप लोग से बहुत से कैंडिडेट से बात होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट एक्टिव हैं, हमको बहुत खुशी हुआ कि चलिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर नहीं सोचिएगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आपको हम क्या समझाए थे उस दिन, कि सरकार का आँख खोलिए, अभी बंद है, जो एक बार कुर्सी पर बैठ गया ना उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है, इसीलिए रोजगार का मुद्दा को साइड में करके रख दिया। इतना पहले तो ये बात समझना चाहिए आप लोग को कि अभी देखिए गांव में है, इधर उधर थोड़ा सा तो आवाज़ आवाज़ अधिक आ रहा है, बगल से ट्रेन व्रेन भी है। आपको हम बताते थे कि ट्रेन में भी मेहनत किया जा रहा है, पोस्टर वोस्टर बांधा जा रहा है, तो ट्रेन का भी आवाज़ है। और अभी हो सकता है कि दूर में मस्जिद है, आपको बताया था कि कंडाल उंडाल का भी आवाज़ थोड़ा सा आता है, अभी कुछ समय चल रहा है, नहीं जानते हैं मुस्लिम सब का क्या है, जो भी है अपना ठीक रहे, सब अपना अपना धर्म का जुगाड़ में रहता है, ठीक है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि यही आपके पास अंतिम मौका है, आप जो भी सपना देखे थे आज तक, जो भी सपना देखे थे, अगर उसके लिए एक कदम मेहनत करना चाहते हैं जीवन में, तो एक बार ये ट्विटर वाला मेहनत कीजिए और 12 नंबर को दिल्ली जाइए, ठीक है। मेरे पास समय उतना नहीं है और हम आपको क्या बोलें, वहाँ पर हम ड्यूटी में रहते हैं, तो भाई चलिए बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत हमारा रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अब यहाँ हैं, अब यहाँ पे लगातार आप लोग के साथ चिपके रहेंगे तो फिर हमको घर से बोलता है कि क्या करते हो लगातार, यहाँ भी थोड़ा सा रेस्ट में रहो या फिर बातचीत करो, समझे ना, बात को समझा कीजिए। ऐसा नहीं कि लगातार आप लोग के साथ बने हुए हैं, आप लोग के साथ हम हालांकि लगातार बने हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से आप देखिएगा, और हर हमेशा आपके सपोर्ट में, जितना भी स्टूडेंट जो भेजता है जो करता है, हम सब का बात को रखने का प्रयास करते हैं। और मेरे पास क्या है, आप तो जानते ही हैं कि यही छोटा सा 2 यूट्यूब चैनल छोटा सा, जिसके द्वारा अभी तक हम आपसे जुड़े हुए हैं, और फिर यूट्यूब चैनल का क्या होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, सिर्फ आप लोग का भगवान करे सबको सफल कर दे, बना दे, सब अपना अपना ड्यूटी कीजिए, फिर होगा, भविष्य में मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो हमको भूल भी जाएंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, चलिए कभी याद कीजिएगा भविष्य में। और ये सब तो हो गया बहुत दूर तक बात, और ये वाला बात अगर हम करने लगेंगे तब तो अभी लंबा हम देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन क्या करें। तो कुल मिलाकर अभी जो हम यही बोले कि आप अगर सही में कुछ करना चाहते हैं, और अगर आप सही में कुछ देखे थे, सोचे थे कि कुछ करेंगे, तो यही मौका है, कीजिए ट्वीट। और रणवीर सर जी जब ट्वीट करेंगे तो उसका टैग को भी कॉपी कीजिए या उनमें रिट्वीट कीजिए, लगातार जो करना है कीजिए, लेकिन टैग बदलिएगा मत, और इस बार पक्का ट्रेंडिंग में जाएगा, आप लोग देखिएगा कुछ ना कुछ लाभ होगा। और ये वाला आप लोग का काम जब कम्प्लीट हो जाएगा 1 नवंबर को, तो उसके बाद हम फिर अपने सिस्टम से एक दो चीज़ आप लोग को बताएंगे कि न्यूज़ वाले को ईमेल कैसे करना है। मान लीजिए एक दिन में एक न्यूज़ वाले को अगर पकड़ के ईमेल करना शुरू किए ना, अगर 5000 स्टूडेंट ईमेल कर दिया
और 5-5 बार किया तो 25,000 ईमेल गया, वो भी बौखला जाएगा कि इतना ईमेल किस चीज़ का आ रहा है, तो ज़रूर एक बार ध्यान देगा। इस प्रकार से हम लोग जो जो मेन मेन न्यूज़ वाला है सबको करेंगे, और इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मुद्दा यही रहेगा न्यूज़ पे, न्यूज़ पे इतना गीत नहीं गाना है हम लोग को कि हम लोग इतना दिन से भटक रहे हैं, मेरा मुद्दा उठाइए, यही नहीं, सिर्फ ये बोलना है कि चलिए 12 नवंबर को दिल्ली हम सब जा रहे हैं, 85,000 कैंडिडेट का भीड़ रहेगा वहाँ पे, चलिए सब जा रहा है, आप लोग भी आमंत्रित हैं, इस प्रकार से। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लगे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा हड़बड़ी में बोल रहे हैं, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही तो कहने के लिए हम अभी वीडियो बनाए, और कोई बात नहीं बड़ा, और बाकी इस प्रकार से तो मेरा मन के अंदर में ढेरी बातें चलते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग से हमको बहुत सारा प्रेम मिला है, खाली याद रखिएगा भविष्य में, और हमको कुछ ना चाहिए, ठीक है। चैनल का कोई भरोसा है नहीं, बहुत दिक्कत है, और फिर अपना पर्सनल नंबर देंगे, फिर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ट्विटर पर आंदोलन करना है, हम फिर बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।